brought to you by Hire. भारतीय उद्योग जगत की एक मशहूर हस्ती रतन नवल टाटा का 9 अक्टूबर की देर रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का कारोबार 100 से ज़्यादा देशों तक फैलाया और लगभग हर सेक्टर में इनका कारोबार फैला हुआ है। टाटा के बारे में कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ टाटा ग्रुप की पहुँच ना हो। रतन टाटा अपनी कारोबारी समझ, कारोबार के तौर तरीकों और समाज सेवा के लिए तो जाने ही जाते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में ये कंपनियां बुलंदियों पर पहुंची और इनका कारोबार दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का बिजनेस 6 महाद्वीपों के करीब 100 से ज़्यादा देशों में फैला है, जबकि 150 देशों में टाटा के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। टाटा समूह की सभी कंपनियों की कुल वैल्यू 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आप जानकार हैरान होंगे कि न सिर्फ रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने खूब तरक्की की, बल्कि टाटा समूह की कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों की भी किस्मत बदल गई। टाटा समूह की कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशक खूब मालामाल हुए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1991 में टाटा समूह की कमान संभालने वाले रतन टाटा द्वारा समूह की बागडोर संभालने के बाद निवेशक कितना मालामाल हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन की। तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टाटा समूह ने एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की, जिसके बाद 1984 में टाइटन वॉचेस लिमिटेड बनी। इस दौरान टाइटन ने घड़ियों के अलावा आभूषण, चश्मे और इत्र जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया, जिससे भारत की घड़ी और आभूषण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1993 में कंपनी का नाम बदलकर टाइटन इंडस्ट्रीज हो गया। साल 2013 में ये टाइटन कंपनी लिमिटेड बन गया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि 1993 में टाइटन के शेयरों की कीमत 8 रुपए के आसपास थी, लेकिन 10 अक्टूबर को कंपनी के शेयर का बंद भाव 3,458 रुपए था। इसका मतलब आपने तब 10,000 रुपए अगर निवेश किए होते तो आज की तारीख में जो आपका निवेश है वो करीब 42,65,000 का हो जाता। इस तरह टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा स्टील ने भी न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि कंपनी के निवेशकों ने भी खूब मुनाफा काटा। साल 1990 में टाटा स्टील के शेयर का भाव मात्र 6 रुपये 13 पैसे था। अगर उस समय किसी व्यक्ति ने टाटा स्टील में 10,000 का निवेश किया होता तो आज वो निवेश बढ़कर करीब 2,60,000 होता, यानी 2,495% का रिटर्न मिलता। टाटा ग्रुप की बात हो और टाटा मोटर्स का जिक्र ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है। साल 1990 में टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमत 23 रुपए के आसपास थी। इस तरह अगर आपने उस समय इस कंपनी में 10,000 निवेश किया होता तो ये बढ़कर 4,04,000 हो गया होता, कुल मिलाकर 3,900% से भी ज्यादा का रिटर्न। इसी तरह देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी टीसीएस में अगर 2004 में आपने निवेश किया होता 10,000 रुपये, तो आपका निवेश अब तक बढ़कर 1,29,000 रुपये हो चुका होता। 2004 में टीसीएस के शेयर की कीमत 329 रुपये थी। फिलहाल इसका भाव 4,228 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। इस बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमने बीएनके कैपिटल ग्रुप के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल से बात की, सुनिए। सर, टाटा जैसा बिजनेस करते थे वैसे ही अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते थे। बहुत सारे हमारे ऐसे नोन हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि वेटरन इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने टाटा ने इन्वेस्ट भी किया होगा और उनको रिटर्न भी मिला होगा। जैसे बहुत छोटा सा आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, टाइटन 1993 में 8 रुपये 19 पैसे पे अगर किसी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया हो, सर आज वो 10,000 रुपये 42,65,000 रुपये बन गए। अगर हम टाटा स्टील की बात करें, 1990 रुपये में 6 रुपये 13 पैसे के भाव में अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आज वो बढ़ के करीबन सर 2,59,000 रुपीज हो गए। अगर हम टाटा मोटर की बात करें जो कि एक बहुत ही इनकी टर्न अराउंड स्टोरी थी, टाटा मोटर्स में अगर किसी ने 23 रुपये 21 पैसे में 1990 रुपये में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आज सर वो 4,04,000 रुपये बन गए। 10,000 रुपए के 4,04,000, तो सर इससे आपको समझना होगा चाहे टीसीएस हो, टाटा एलेक्सी हो, इनका पूरा कॉन्ग्लोमरेट। और सर क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में है, एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगा कि आज भी जो पूरी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री है वो ये बात के लिए वाउच करती है कि अगर आप टाटा की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहली बात डूबने का तो कोई चांस ही नहीं है, रिटर्न हमेशा छूटेगा क्योंकि एथिकल बिजनेस, एथिकल गवर्नेंस, ये टाटा का हमेशा से एक बैकग्राउंड रहा है, चाहे रतन टाटा हो या उनके प्रीसीडिंग जनरेशंस भी। सर, टाटा फैमिली हैज बीन नोन टू रिवॉर्ड द इन्वेस्टर्स।